गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? टुडेज टॉपिक इज लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर। इससे पहले हमने एडवांटेजेस पढ़े थे इक्विटी शेयर के, आज हम इक्विटी शेयर के लिमिटेशंस पढ़ेंगे और लिमिटेशंस भी एडवांटेजेस की तरह पढ़ेंगे, इन्वेस्टर पे भी पढ़ेंगे और कंपनी पे भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर्स को इक्विटी शेयर के कारण क्या क्या नुकसान है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है अनसर्टेन इनकम। क्या? अनसर्टेन इनकम। सिंस द रेट ऑफ डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर्स इज नॉट फिक्स्ड, इनकम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन्स अनसर्टेन। बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को तो सर्टेन रेट का प्रॉफिट में से डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं उन्हें कभी भी फिक्स्ड रेट का प्रॉफिट में से डिविडेंड नहीं दिया जाता। इक्विटी शेयर होल्डर की इनकम हमेशा अनसर्टेन होती है। सबको देने के बाद कुछ बचता है तो इनकी इनकम होती है, और सबको देने के बाद यदि कुछ नहीं बचता तो इनकी इनकम कुछ भी नहीं होती। टू द एक्सटेंट देयर इज नो गारंटी दैट दे मस्ट गेट डिविडेंड व्हेन द कंपनी अर्न प्रॉफिट। कंपनी प्रॉफिट भी अर्न कर रही होती है, लेकिन इन्हें किसी भी तरीके की कोई गारंटी नहीं होती कि हमारे घर प्रॉफिट आएगा ही आएगा। सबको देने के बाद बचेगा तो इनके घर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैनी अ टाइम कीपिंग इन व्यू द फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स प्रॉफिट आर रिटेन्ड इन द कंपनी एज रिजर्व। कई बार तो प्रॉफिट होने के बावजूद भी प्रॉफिट का शेयर अलग जनरल रिजर्व फंड में डाल दिया जाता है, ताकि उस पैसे को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया जा सके और प्रॉफिट से और प्रॉफिट कमाए जा सके। तो इक्विटी शेयर होल्डर की लिमिटेशन में सबसे पहला पॉइंट लिमिटेशन फॉर इन्वेस्टर में क्या है? अनसर्टेन इनकम। इनकी इनकम कैसी होती है? अनसर्टेन होती है। सेकंड, लॉस ड्यू टू रिसेशन। रिसेशन होता है मंदी का दौर। रिसेशन में भी इक्विटी शेयर होल्डर को लॉस होता है। एट द टाइम ऑफ रिसेशन ड्यू टू फॉल इन प्रॉफिट नॉट ओनली द रेट ऑफ डिविडेंड ड्रॉप शार्पली बट देयर इज अ स्टीप फॉल इन द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स आल्सो। बेटा, मंदी के टाइम पीरियड में आपको पता है इनको डिविडेंड का रेट भी इनके ऊपर गिर जाता है, और बेटा रिसेशन के टाइम पीरियड में इनके शेयर्स की मार्केट प्राइस भी गिरनी शुरू हो जाती है। तो एक तो इनके घर में डिविडेंड कम आता है मंदी के टाइम पीरियड में, और शेयर की मार्केट वैल्यू जब गिर जाएगी तो इनके शेयर जो है ये मार्केट में बेच नहीं पाएंगे, तो भी इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। कौन से टाइम पीरियड में? रिसेशन के टाइम पीरियड में। दस इक्विटी शेयर होल्डर सफर द मोस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे ज्यादा इक्विटी शेयर होल्डर सफर करते हैं कौन से टाइम पीरियड में? रिसेशन के टाइम पीरियड में। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर डिविडेंड का जो रेट मिलता है प्रॉफिट में से वो भी गिरना शुरू हो जाता है, और दूसरा इनके शेयर्स की मार्केट प्राइस भी गिरनी शुरू हो जाती है। तो रिसेशन के टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है वो कौन से शेयर होल्डर को होता है? इक्विटी शेयर होल्डर को होता है। उसके बाद है लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन के टाइम पीरियड में भी इन्हें नुकसान होता है, वाइंड अप के टाइम पीरियड में भी। इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड बैक लास्ट ऑफ ऑल। वाइंड अप के टाइम पीरियड में जब हम कंपनी को भी बंद कर रहे होते हैं, जब कंपनी का लिक्विडेशन चल रहा होता है, तो भी इक्विटी शेयर होल्डर को सबसे लास्ट में दिया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स को दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा, और कुछ बचेगा तो लिक्विडेशन के टाइम पीरियड पर भी इन्हें इनका पैसा जो वापस है, रिफंड भी है,
वो भी सबसे लास्ट में किया जाता है, और लास्ट में कुछ बचता है तो इन बेचारों को मिलता है, और नहीं बचता तो इन्हें कुछ भी नहीं मिलता। इफ द अमाउंट ऑफ लॉस इज वेरी लार्ज द इक्विटी शेयर होल्डर्स मे बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर कैपिटल। जब लॉस इतना ज्यादा होता है तो कई बार तो इन बेचारों को अपनी कैपिटल से भी हाथ धोना पड़ता है, इनको वापस कुछ भी नहीं मिलता। उसके बाद है लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन, सौदेबाजी के दौरान भी इनको नुकसान होता है जब सट्टेबाज ज्यादा हो जाते हैं। सम पीपल इंडल्ज इन स्पेकुलेशन ऑफ शेयर, कुछ लोग जो है सौदेबाजी में अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, सौदे करने में इन्वॉल्व रहते हैं, तो स्पेकुलेटर पैदा हो जाते हैं मार्केट में। एज अ रिजल्ट देयर मार्केट प्राइस फ्लक्चुएट वायलेंटली, जब बेटा सट्टेबाजी होती है तो उस टाइम मार्केट प्राइस में फ्लक्चुएशन आनी शुरू हो जाती है, मार्केट प्राइस में उतार चढ़ाव आना शुरू हो जाता है। इट गिव्स राइज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस टू द शेयर होल्डर, ऐसे टाइम पीरियड में जब मार्केट में फ्लक्चुएशन आती है तो शेयर होल्डर्स को स्पेकुलेशन के कारण लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इक्विटी शेयर की लिमिटेशन जो इन्वेस्टर पे थी उसमें पहला पॉइंट था अनसर्टेन इनकम, दूसरा लॉस ड्यू टू रिसेशन, तीसरा लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, चौथा लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन। अब बेटा लिमिटेशन इक्विटी की कंपनी पे हम पढ़ेंगे, तो टॉपिक क्या है लिमिटेशंस फॉर कंपनी, कंपनी के लिए नुकसान क्या है। पहला नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इक्विटी के ट्रेडिंग करने से किसी भी तरीके का कोई भी फायदा नहीं होता। इफ अ कंपनी इश्यूज ओनली इक्विटी शेयर इट कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, यदि कंपनी इक्विटी के शेयर इश्यू करती है तो यहाँ पर कंपनी जो है इक्विटी के ट्रेडिंग का किसी भी तरीके से कोई भी फायदा नहीं ले सकती। द कंपनी मस्ट हैव आल्सो बोरोड कैपिटल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, इस तरीके से फायदा लेने के लिए कंपनी को इक्विटी के अलावा बोरोड कैपिटल को भी इशू करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर को इशू करके इक्विटी की ट्रेडिंग का एडवांटेज कंपनी नहीं लेती, ऐसी कंडीशन में इक्विटी के अलावा कंपनी को बोरोड कैपिटल भी इशू करनी चाहिए। उसके बाद है नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में भी किसी भी तरीके की कोई फ्लेक्सिबिलिटी का बेनिफिट नहीं मिलता कंपनी को। Having issued equity shares once, the company cannot repay the capital during its lifetime. अब बेटा इक्विटी की ट्रेडिंग जब करते हैं तो इक्विटी की ट्रेडिंग करने पे कंपनी जो है कैपिटल स्ट्रक्चर की फ्लेक्सिबिलिटी का फायदा कैसे नहीं लेती, इनको इनका पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को कंपनी के लाइफ टाइम पीरियड में पैसा वापस भी नहीं देना होता, कंपनी इनके पैसे को सारे लाइफ टाइम पीरियड तक यूज में लाती है। दिस करेक्टरिस्टिक ऑफ इक्विटी शेयर क्रिएट इन फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, इससे कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में इन फ्लेक्सिबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। दस द कंपनी कैन नॉट पे देयर इक्विटी कैपिटल इवन व्हेन इट सो डिजायर, कई बार कंपनी वाले चाहते भी हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर को उन्हें उनका पैसा वापस दे दिया जाए कंपनी के लाइफ टाइम पीरियड में, लेकिन वो कंपनी के लाइफ टाइम पीरियड में इक्विटी को उनका पैसा वापस भी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर कंपनी को इक्विटी के कारण क्या नुकसान होता है, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में टाइमली किसी भी तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं कर सकते। नेक्स्ट है लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर जो है कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में इंटरफेयर करते हैं, उनके इंटरफेयर के कारण भी कई बार नुकसान होता है। मोर द कंपनी इश्यू इक्विटी शेयर ग्रेटर इज द इंटरफेरेंस ऑफ द पीपल इन मैनेजमेंट, कंपनी जितना ज्यादा इक्विटी के शेयर इशू करते हैं इक्विटी शेयर
होल्डर कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में उतनी ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं। मैनी अ टाइम सम सेल्फिश पीपल इन ऑर्डर टू सर्व देयर वेस्टेड इंटरेस्ट, कई बार तो कुछ लोग अपने इंटरेस्ट को भी इस तरीके से, अपने घटिया लेवल के इंटरेस्ट को भी कंपनी में इंटरफेरेंस करके पूरा कर लेते हैं। क्या करते हैं, वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण परचेज मेजोरिटी शेयर ऑफ द कंपनी सो एज टू गेट द कंट्रोल ऑफ द कंपनी इन देयर ओन हैंड्स। वो जानबूझ के कंपनी के ज्यादा इक्विटी शेयर खरीद लेते हैं और जानबूझकर अपने सेल्फिश एटीट्यूड को पूरा करने के लिए कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में दखलंदाजी करते हैं। हैविंग डन सो दे मैनेज द कंपनी इन देयर ओन वे, और वो कंपनी को अपने तरीके से और वो कंपनी के अपने तरीके से कंपनी को चलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंपनी की मैनेजरियल एक्टिविटीज में अपने अकॉर्डिंग इंटरफेरेंस करते हैं और अपने सेल्फिश लेवल के एटीट्यूड को इस तरीके से वो पूरा करते हैं। तो ये पॉइंट क्या था, लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है मोर फ्लोटेशन कॉस्ट। उतार चढ़ाव के खर्चे भी कंपनी को इक्विटी शेयर ज्यादा इशू करने के कारण सहने पड़ते हैं। कंपेयर टू अदर काइंड ऑफ सिक्योरिटी द कंपनी हैज टू बियर मोर फ्लोटेशन कॉस्ट इन इशूइंग इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को इशू करने से कंपनी को दूसरों के कंपैरिजन ज्यादा फ्लोटेशन के खर्चों को सहना पड़ता है। कैसे ज्यादा फ्लोटेशन के खर्चों को सहना पड़ता है कि यहाँ पर लास्ट में जो कुछ भी बचेगा वो सारा इक्विटी शेयर होल्डर को देना पड़ता है और इक्विटी को इशू करने के खर्चे बाकी सिक्योरिटीज को इशू करने से ज्यादा आते हैं। तो यदि कंपनी वाले इक्विटी की ट्रेडिंग ज्यादा करते हैं तो इक्विटी को इशू करने के कंपनी को फ्लोटेशन टाइप के जो खर्चे हैं, उतार चढ़ाव के जो खर्चे हैं, वो ज्यादा जो है सहने पड़ते हैं। तो ये भी कंपनी को नुकसान है, किसको इशू करने से, इक्विटी शेयर को इशू करने से। नेक्स्ट है नो टैक्स एडवांटेज। कंपनी को इक्विटी शेयर को इशू करने से किसी भी तरीके का टैक्स में भी बेनिफिट नहीं मिलता। इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर इज शोन एज अदर एक्सपेंस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द कंपनी। कॉन्सिक्वेंटली प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस साइमल्टेनियसली। डिबेंचर्स पे कंपनी वाले जो है डिबेंचर होल्डर को फिक्स रेट का इंटरेस्ट पे करते हैं, तो फिक्स रेट का इंटरेस्ट पे करते हैं तो एक तरीके से एक्सपेंस दिखाकर डिबेंचर्स पर तो टैक्स में से क्या ले लेते हैं, एडवांटेज ले लेते हैं, रिबेट ले लेते हैं, लेकिन इक्विटी शेयर को इशू करने से उन्हें इस तरीके का टैक्स में से किसी भी तरीके का कोई भी एडवांटेज नहीं मिलता। द कंपनी हैज टू पे लेस कॉर्पोरेट टैक्स, हाउएवर डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स बिकॉज इट इज नॉट ट्रीटेड एज एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। इक्विटी को इशू करके उन्हें किसी भी तरीके का टैक्स में से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। जब टैक्स में से बेनिफिट मिला ही नहीं है तो टैक्स का फायदा जो है कंपनी वालों को इक्विटी शेयर को इशू करने से नहीं होता, ये बेनिफिट उन्हें डिबेंचर्स को इशू करने से होता है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स पे डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स रेट का इंटरेस्ट दिया जाता है, तो ये इंटरेस्ट जो दिया जाता है ये कंपनी इस इंटरेस्ट को एक खर्चे के रूप में शो करती है और ये खर्चे के रूप में शो करके कंपनी वाले टैक्स में से यहाँ क्या ले लेते हैं, रिबेट बेनिफिट ले लेते हैं। लेकिन इक्विटी पर इक्विटी शेयर को इशू करने से इस तरीके से कोई भी खर्चा शो नहीं कर पाते क्योंकि इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, वहाँ डिविडेंड दिया जाता है, तो यहाँ पर कंपनी को किसी भी तरीके का कोई टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता। तो ये पॉइंट था नो टैक्स एडवांटेज। तो लिमिटेशन फॉर कंपनी में इक्विटी शेयर में पॉइंट क्या क्या थे, नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट, मोर फ्लोटेशन कॉस्ट,
नो टैक्स एडवांटेज। तो आज के टॉपिक में हमने क्या किया, लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर में लिमिटेशंस फॉर इन्वेस्टर की हैं, उसके पॉइंट थे अनसर्टेन इनकम, लॉस ड्यू टू रिसेशन, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन, और लिमिटेशंस फॉर कंपनी में नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर, लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, नो टैक्स एडवांटेज। थैंक यू बेटा।